नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct about the speaker of the Lok Sabha? एक static question है। हमेशा से UPSC एक दो question static से पूछता है polity से related। तो हमें not correct choose करना है। Speaker hold office from the date of his her election till immediately before the first meeting of the Lok Sabha after the dissolution of one to which he is elected। तो ये statement सही है। She is eligible for re-election, ये भी सही है। On the dissolution of the Lok Sabha, although the speaker ceases to be a member of the house, he/she does not vacate his or office, ये भी सही statement है। The speaker may at any time resign from office by writing under his or hand to the President of India. तो President of India नहीं होगा, तो ये गलत statement है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं करता है, वो डिप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी लिखते हैं। तो इन लोकसभा बोथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। एट प्रेजेंट जो स्पीकर है लोकसभा के वो ओम बिरला, जो डिप्यूटी स्पीकर है उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सिंपल, कौन से प्रोसेस है, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। तो ये प्रोसीजर पता होने चाहिए। द स्पीकर मे एट एनी टाइम रिजाइन कर सकते हैं, तो वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। और डेप्यूटी स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देगा, तो वो स्पीकर को देगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑल्दो द स्पीकर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ही शी डज नॉट वैकेट हिज अर ऑफिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट चूज करना है अबाउट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे एमपी लैड्स कहा जाता है। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच एमपीज कैन रिकमेंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग स्पेंडिंग ऑफ 5 करोड़ एवरी ईयर इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। एमपीज ओनली फ्रॉम लोकसभा एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, तो ऐसा नहीं है, राज्यसभा से भी है। द गवर्नमेंट ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 1993, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। द एमपीज फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड वंस एमपी लैड स्कीम में उनको पैसा मिल जाता है। दिल्ली और स्टेट जो असेंबलीज होते हैं उनके लिए एमपी लैड नहीं कहा जाता, उन्हें एमएलए लैड कहा जाता है। तो हर स्टेट का अलग एलोकेशन है। जैसे दिल्ली में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है कितना, तो 10 करोड़ हर साल मिलता है हर एमएलए को। वही पंजाब केरला में 5 करोड़ पर एमएलए पर ईयर है। हर स्टेट का अलग अलग है। तो इसमें जिस स्टेट के पीसीएस आप अगर दे रहे होंगे तो उनके लिए जाना जरूरी है। यूपीएससी के लिए हर स्टेट का जाना जरूरी नहीं है, आप बस सेंट्रल लेवल पर जान लीजिए। एमपीज एंड एमएलएज डू नॉट रिसीव एनी मनी अंडर द स्कीम, द गवर्नमेंट ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटीज, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हीं को ट्रांसफर किया जाता है। द लेजिस्लेचर कैन ओनली रिकमेंड वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द सेटअप गाइडलाइंस, सर्टन सेटअप गाइडलाइंस होते हैं और बस वर्क को रिकमेंड करते हैं। लेट सपोज की जैसे रोड बनानी है या पब्लिक टॉयलेट बनानी है, तो उसके लिए जस्ट वो प्रपोजल डाल सकते हैं। पैसा जो आएगा वो रेस्पेक्टिव ऑथोरिटी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी उनके पास जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is correct about the election process of the President of India? The President is elected by an electoral college consisting of the MPs of only the lower house of the Parliament and MLAs of the states of Delhi and Puducherry. तो ये statement गलत है, हमें correct statement choose करना है। The votes are weighted their value determined by the population of each state as per the census 1971. ये भी statement सही है। इसीलिए जो value of एक वोट है लेट सपोज यूपी का, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू छोटे स्टेट जैसे सिक्किम या गोवा।
तो वोट का वेटेज अलग होता है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड द असेंबलीज एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पार्ट होते ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, द आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉस्ट बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो आर्टिकल 58 नहीं होगा, आर्टिकल 61 क्लॉज 1 ये कहता है। और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ कौन से, एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलएज ऑफ द स्टेट, हर स्टेट के जो एमएलएज हैं, फिर लेजिस्लेचर जो दिल्ली एंड पुडुचेरी में है वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड द असेंबलीज एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट चूज करना। इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज टू रिसीव द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट। स्टेटमेंट ये सही है। It was evolved by the Supreme Court in the 1973 landmark ruling in Keshav Nand Bharati versus State of Kerala. ये भी statement बिल्कुल ही correct है। It checks the constitutional amendment to ensure the amendment does not dilute the fundamental of the constitution itself. ये भी statement सही है। The parliament can either amend और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होती रहती है, लेकिन डिस्ट्रॉय जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये नॉट करेक्ट है, यही जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, नॉट करेक्ट हमें चूज करना है। इन अ 7-6 वर्डिक्ट ऑफ 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन bench ruled that basic structure of the constitution is inviolable and could not be amended by the parliament. ठीक है, if a law is found to damage or destroy the basic feature of the constitution, the court क्या कर सकता है, declare it as unconstitutional. ठीक है, the test is applied to constitutional amendment to ensure that amendment does not dilute the fundamental of the constitution itself. तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के इस साल बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 2023 में इसी साल हम लोगों ने 50 इयर्स इस लैंडमार्क बॉडी को सेलिब्रेट किया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to delimitation, consider the following statement. It is the act of redrawing boundaries of only Lok Sabha seats to represent the change in population. तो only Lok Sabha नहीं है, साथ में state assemblies भी होती हैं। ये statement गलत है। The main objective of delimitation is to provide equal representation to the equal segment of a population. ये statement सही है। The delimitation commission is appointed by the Prime Minister of India and works in collaboration with the Election Commission of India. Election Commission of India के साथ collaborate करके काम करता है, लेकिन Prime Minister of India appoint नहीं करता delimitation commission को, President करते हैं। It comprises of retired डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होते हैं, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 और 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर है। डिलिमिटेशन क्या है, तो एक्ट ऑफ रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन। कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है विद द टाइम एंड पॉपुलेशन श्रैंक भी कर जाती है, तो इससे क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव द डिलिमिटेशन टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, और इट इज सेट अंडर द आर्टिकल 82 में, पार्लियामेंट इज टू एनैक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, वंस द एक्ट इज इनफोर्स यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द डिलिमिटेशन कमीशन एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो वर्डिक्ट होता है, फाइनल ऑर्डर होता है, आर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ कंपोटर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, हमेशा से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। टू ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईच स्टेट एंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टू ऑडिट ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स रिलेटिंग टू द कंटिजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट। टू ऑडिट ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट केप्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और ए स्टेट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो कंपोटर एंड ऑडिटर जनरल को CAG को जो पावर मिलती है वो आर्टिकल नंबर 149 to 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में बताए प्रेजेंट टाइम पे कौन है CAG इंडिया के। और एक चीज और बताइएगा कि कंपोटर एंड ऑडिटर जनरल में इंडिया के जो CAG है उनका फंक्शन मोर और लेस ऑडिटिंग का ज्यादा होता है, कंपोटर तो काम होता ही नहीं है, ऑडिटिंग का काम ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक NGO है, वही रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, टू कंपेयर द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंजॉयड बाय द जर्नलिस्ट एंड मीडिया इन 180 कंट्रीज एंड द टेरिटरीज। ठीक है, द रिपोर्ट डिस्क्राइब, वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब कहा जा रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द मीडिया, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री। और इंडिया का जो रैंक है वो लेटेस्ट रैंक है 161 अमंग 180 नेशंस इन 2023। जो 2022 रिपोर्ट था उसमें इंडिया का रैंक 150 था। तो इंडिया का रैंक और भी खराब हो गया। और एक चौंकाने वाली ये बात है कि इंडिया का जो रैंक है वो इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्री से भी पीछे है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो ये रिपोर्ट है ये इसको कभी मानती नहीं है। और जो रिपोर्ट वो इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, फिजिकल वायलेंस हो गया इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस, एम्बुशेस हो जाते हैं, शूटिंग हो जाती है फिर बाय द क्रिमिनल ग्रुप्स या करप्ट लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा शूटिंग हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया को वन ऑफ द डेंजरस कंट्रीज में रखा गया है कैटेगरी में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मानती नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये होम अफेयर्स तो नहीं होगा, कॉरपोरेट अफेयर्स का सही आंसर होगा। तो ये गलत है ऑप्शन। द SFIO इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो सेटअप किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और एक जो SFIO है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंप्राइजिंग एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड्स होते हैं, अकाउंटेंसी से फॉरेंसिक ऑडिटिंग, बैंकिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन एक्सेट्रा से, ताकि कोई भी अगर करप्शन या कुछ भी गलत हो रहा हो वो पता कर सके और उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया जा सके। तो इसके जो हेड करते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लेवल होते हैं। और इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर्स और भी बहुत सारे सेक्रेटेरियल स्टाफ काम करते हैं। और जो SFIO का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और साथ ही साथ 5 रीजनल ऑफिस है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो इसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जल्दी आने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे
टिल देन बाय बाय, जय हिंद।